Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th March 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about morality test. To India's Ukraine policy and this topic is important from our syllabus GS paper four ethics and integrity perspective. आपको पता होगा कि हमारे ethics and integrity के paper में एक separate topic दिया हुआ है morality in international relations और ये topic PSIR option students के लिए भी important है. तो context देखते हैं background देखते हैं इस article का तो आपको पता है कि हाल फिलहाल में कई सारे resolutions United Nations में और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स में लाए गए हैं अगेंस्ट रसिया बिकॉज ऑफ इट्स इन्वेज़न ऑफ यूक्रेन बट इन तमाम रिजोल्यूशंस में इंडिया एब्सटेंड फ्राम वोटिंग एंड दैट इज़ हाउ और दैट इज़ वाई द वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज एंड यू एस हैज़ क्रिटिसाइज्ड इंडिया फॉर इट्स एम्बी वैलेंस कि भाई आप हिपोक्रेसी कर रहे हैं एक तरफ तो आप कहते हैं कि यू वॉन्ट टू स्टैंड फॉर पीस जस्टिस और दूसरे तरफ आप जब रसिया एक छोटे से देश यूक्रेन को बुली कर रहा है थ्रास कर रहा है उस टाइम में आप रसिया को कंडेम करना भी नहीं चाहते

आ पियरिंग टू बी कंट्रोलिंग रसियाज एक्शन और इस कारण से वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि आपकी मॉरलिटी खत्म हो चुकी है उस पर यह आर्टिकल लिखा गया ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है और इसमें कई सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो आप अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं शेखर गुप्ता जी लिखते हैं कि फॉरन पॉलिसीज़ आर गाइडेड बाई नेशनल इंटरेस्ट तो नेसन का इंटरेस्ट ही एक लौता और अकेला ऐसा फैक्टर होता है जिसके बेसिस पर फॉरन पॉलिसीज बनाई जाती हैं नो नेसन वीक और स्ट्रॉन्ग रिच और पुअर हैज़ इट्स फॉरन एंड स्ट्रेटजिक पॉलिसी डिटरमाइंड बाई मॉरलिटी मॉरलिटी इज जस्ट यूज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इट इज़ नॉट अ बेसिस फॉर फ्रेमिंग फॉरन पॉलिसी चाहे कोई भी देश हो दुनिया का वो मॉरेलीटी के बेसिस पर अपनी फॉरन पॉलिसी नहीं बनाता है एंड इफ एनी नेशन क्लेम्स टू डू सो अ टेन सेकेंड फैक्ट चेक विल प्रूव इट रॉन्ग मतलब कोई भी देश अगर कहता है कि हम तो मॉरल हैं जी मॉरलिटी के बेसिस पे अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो कई सारे एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं दस सेकेंड के अंदर उस आर्गुमेंट को गलत साबित करने के लिए और फिर इन्होंने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि दुनिया के जो सो कॉल्ड मॉरल कंट्रीज़ हैं उनके इमोरल एक्टिविटीज़ की फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड इज नॉन फॉर इट्स न्यूट्रलिटी पॉलिसी पहले भी मैं इसको कवर कर चुका हूँ न्यूज़पेपर एनालिस में कि कैसे स्विट्जरलैंड जो है वो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में इट रिमेंड न्यूट्रल तो स्विट्जरलैंड क्लेम्स की वी नेवर सपोर्ट वॉर एंड वी ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल टू वॉर लेकिन यही स्विट्जरलैंड दुनिया भर से अलग, अलग अलग देशों से जो भी इलीगल पैसा है गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा है बेमानी करके करप्शन करके उन पैसों को अपने बैंक में रखता है तो आपने सुन रखा होगा ना पॉपुलर और फेमस स्विस बैंक के बारे में तो स्विस बैंक में लोग जितने भी दुनिया भर के बेईमान ठग करप्ट लोग हैं अपना पैसा छुपाने के लिए कहाँ रखते हैं स्विस बैंक में क्योंकि स्विस बैंक जो है उनको सबसे सेफ ऑप्शन प्रोवाइड करता है उनकी इंफॉर्मेशन दुनिया में कहीं भी वो किसी भी सरकार को लीक नहीं करता है सो स्विस इकोनमी बेनिफिट्स लॉट फ्रॉम सच मॉनिटरी इन्फ्लूस ऑन द अदर हैंड स्विट्जरलैंड क्लेम्स इट्स हेल्प टू भी वन ऑफ द मोस्ट मॉरल कंट्रीज इन द वर्ल्ड सो मोालिटी इज जस्ट एन आर्ग्यूमेंट अगर स्वीडन की बात की जाए तो स्वीडन स्टैंड फॉर ह्यूमन राइट्स और कई सारे इस तरह की ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है लेकिन यही स्वीडन ने हमारे देश के अंदर एक गरीब देश इंडिया वहाँ पर उसने ब्राइब दिया था अपने इक्विपमेंट बोफोर्स को बेचने के लिए आपको पता होगा राजीव गांधी के टाइम में बोफोर्स स्कैंडल जिसमें स्वीडन का ये जो गन है बोफोर्स गन इसको इंडिया खरीदे वो भी महंगे दामों में उसके लिए उन्होंने इंडिया के अंदर कई सारे सो कॉड मतलब ये एलिगेशन ऑफ ऑफकोर्स कि कई सारे लोगों को उन्होंने ब्राइब दिया सो दे टुक द पाथ ऑफ ब्राइबरी जस्ट इन ऑर्डर टू गेट दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑन द अदर हैंड दे क्लेम द इमसेल्व टू बोर वेल एंड स्टैंडिंग फॉर ह्यूमन राइट्स यू एस की बात की जाए तो यू एस तो सबसे ज़्यादा एमबी वैलेंट कंट्री है वो हमेशा से ही अपनी दोगली नीतियों के लिए जाना जाता है अफगानिस्तान को ले लीजिए यही यू एस है जिसने अफगानिस्तान के अंदर पश्तून ट्राइब को वेपनाइज किया वेपन दिया ताकि वो रशियन ऑक्यूपेशन को काउंटर कर सकें इन पस्तूँस को एक इंसर्जेंट मुजाहिदीस में कन्वर्ट कराया यही मुजाहिदीस जब इन्होंने यूएस के ऊपर अटैक कर दिया बाय कोलैबोरेटिंग विद तालिबानीज़ and they conducted 9-11 in 2001 then us bombarded afghanistan without discriminating between insurgent terrorists and civilian population tokai are a civilian population but they were rendered homeless and they were killed maimed tortured harassed बिकॉज ऑफ यू एस इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान पोस्ट टू थाउजेंड वन नाइन अलेवन तो यू एस तो हमेशा से अपनी दोगली पॉलिसी के लिए जाना जाता है यू सी वॉट इट डिड टू इराक इराक को लेकर के यू एस की जो एक्शंस हैं वो कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़ पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया था वेन आई टोल्ड यू अबाउट राइज ऑफ आई एस आई एस यू सी इराक वॉज सच ए स्टेबल कंट्री यू सी अ सिटी ऑफ इराक हाउ इट लुकड बिफोर टू थाउजेंड थ्री बट यू एस इन्वेडेड एंड नाउ यू सी हाउ इट लुकड हाउ इट लुकड नाउ कितना स्टेबल कंट्री था और आज उसके हालत क्या हो गए हैं एंड यू एस इन्वेटेड इराक जस्ट टू रिमूव सद्दाम हुसैन ऑन द ग्राउंड की ही इज हैविंग केमिकल एंड बायलॉजिकल वेपन दैट कुड बी डिस्ट्रक्टिव फॉर इंटायर वर्ल्ड बट सच केमिकल और बायलॉजिकल वेपन वेयर नेवर टू बी फाउंड कभी मिले नहीं सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया उसके खिलाफ एलिगेशंस लगाए गए केस चला फांसी चढ़ाई गई बट केमिकल बायोलॉजिकल वेपन्स कभी नहीं मिले और देखिए उन्होंने इराक जैसे एक स्टेबल देश की क्या हालत कर दी इराक वॉज मच मोर प्रोग्रेसिव इफ यू सी विमेन ऑफ इराक डिस्पाइट बींग इस्लामिक कंट्री वहाँ पे विमेन को काफ़ी लिबर्टी थी एंड नाउ इराक हैज़ बिकम सेफ रेफ्यूज फॉर टेररिस्ट ग्रुप्स इराक इज द प्लेस फ्रॉम वेयर द आई एस आई एस द मोस्ट और डेंजरस टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन इज़ ऑपरेटिंग तो ये तो यू की फॉरन पॉलिसी है यू यूके के लोग ब्रिटिश के लोग दे क्लेम दे टू बी वेरी सिविलाइज्ड लेकिन उन्होंने उनके सिविलाइजेशन की क्या बात करें उनका तो बेस्ट एग्जांपल हम खुद हैं हमने कितना फेस कर रखा है उनके सिविलाइजेशन का आउटकम सो वॉट दे डिड दंगेज इन टू ऑल सॉर्ट्स ऑफिस इलीगल एक्टिविटीज़ एंड इन्यूमन एक्टिविटीज़ चाहे ब्राइबरी से लेकर के टॉर्चर से लेकर के हरासमेंट तक इन द कॉलोनीज इंडिया हैज़ फेस्ड दिस लेकिन दूसरा एग्जाम्पल एक, एक और दिया हुआ है इस आर्टिकल में कि यू के इज़ फाइटिंग फॉर दिस स्मॉल आईलैंड फाकलैंड आईलैंड एंड दिस फाकलैंड आईलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन यू के एंड अर्जेंटीना एक छोटा सा आइलैंड और ये बेचारा रिलेटिवली काफ़ी गरीब देश अर्जेंटीना उसको हरास कर रहा है यूके फॉर दिस आइलैंड जबकि थियोरिटिकली और टेक्निकली दिस आइलैंड शुड बिलोंग टू अर्जेंटीना इट इज़ क्लोज टू अर्जेंटीना एंड यहाँ पर कई सारे नेटिव अर्जेंटीनियंस रहते हैं बट जस्ट बिकॉज यू के वॉन्ट्स टू हैव इट्स आउट पोस्ट इन साउथ अटलांटिक ओशन इट इज़ डिस्प्यूटिंग दिस टेरिटरी फॉकलैंड आईलैंड तो वॉट टू टॉक अबाउट मोरालिटी अपने फ़ायदे जहाँ दिखते हैं वहाँ ये लोग डिस्प्यूट कर देते हैं झगड़े कर लेते हैं अरब्स तो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट अरब पलस्तीन कन्फ्लिक्ट तो अब अरब्स जितने भी मेजर अरबिक कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी अरबिया यू ए बहरेन कतर अब सब धीरे धीरे पलस्तिनियन कॉज को छोड़ करके इसराइल के साथ अपने नॉर्म्स या रिलेशंस को नॉर्मलाइज कर रहे हैं अंडर एब्राहमिक अकॉर्ड्स यू मस्ट भी नोइंगब्राहमिक अकॉर्ड्स मैंने पहले ही बताया है एब्राहमिक अकॉर्ड्स के अंतर्गत अब जो कितने सारे जो मेजर अरबिक कंट्रीज़ हैं इन द मॉडर्न टाइम दीज मेजर कंट्रीज़ आर इंगेजिंग इन टू पीस नेगोशिएशन विथ इसराइल एंड दे आर लीविंग पैलेस्तीनियन कॉज असाइड तो मुद्दा यह है कि दुनिया के सारे देश नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं इसलिए इन देशों को इंडिया को लेक्चर नहीं देना चाहिए ऑन मोरालिटी कि इंडिया हैज़ टर्न्ड इमोरल व्हेन इट इज कंडोनिंग और सम सॉर्ट ऑफ इंप्लिसिटली justifying Russia's action on Ukraine. By Russia has been a trusted ally of India right since independence, yeah. and that is how India is now supporting Russia. Or in in a way, India has been in support of Russia in in one way or the other. हमने यूएनसी में रिजोल्यूशन में उनके खिलाफ वोट नहीं किया, अब्सेंट करके वहाँ से रसियन ऑयल या क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस खरीद रहे हैं ताकि रसियन इकोनॉमी को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिले सो इट इज नेशनल इंटरेस्ट दैट गाइड्स एनी कंट्रीज फॉरन पॉलिसी इस टॉपिक के बेसिस पे फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टल इज अबाउट इंडिया श्रीलंका रिलेशन एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव सो देखिए आप सबको पता है कि इंडिया इज मूविंग थ्रू आम सो सॉरी श्रीलंका इज मूविंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस और श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी सीवियर हो गई है कि अब श्रीलंका से जो रेफ्यूजीज़ हैं वो भाग भाग कर में इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं तो जब श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर चल रहा था तमिल्स और सिंघालाज के बीच में तब रेफ्यूजीज का इंडिया में आना एक नॉर्मल इवेंट था लेकिन 2009 से जब से सिविल वॉर ख़त्म हुआ है तब से रिफ्यूजीज नेवर वुड कम टू इंडियन कोस्ट लेकिन ये फिर से शुरू हो गया इन रिसेंट टाइम व्हेन रिफ्यूजीज़ आर हिटिंग द इंडियन कोस्ट खासकर तमिलनाडु में बिकॉज दे क्लेम कि श्रीलंका के अंदर अब खाने को नहीं है काम नहीं है बेसिक फैसिलिटीज़ पानी बिजली सब खत्म हो रहा है क्या कारण है श्रीलंका के इकोनॉमिक फेलियर का ये इकोनॉमिक जो स्ट्रेस है उसके पीछे क्या मुख्य कारण है वो भी जरा समझते हैं सबसे पहला कारण है फेलियर ऑफ टूरिज्म टूरिज़्मीलंकन इकोनॉमी टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही थी लेकिन दो मेजर इवेंट हुए हैं बैक टू बैक एक तो 2019 में श्रीलंका के अंदर ईस्टर के मौके पर बॉम्बिंग हुई थी टेररिस्ट अटैक हुआ था और उसके बाद से वहाँ पे टूरिज्म थोड़ा कम हो गया बिकॉज श्रीलंका अपीयर टू बी नॉट अ सेफ कंट्री और फिर कोविड पैंडमिक उसका तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा श्रीलंका इकॉनमी पे। उसके अलावा हाई एक्सटर्नल डेट श्रीलंका ने चाइना से बहुत ज़्यादा डेट या लोन ले रखा है खासकर उनके प्रेसिडेंट महिंदा राजपक्षा महिंदा राजपक्षा जब प्रेसिडेंट थे टू से लेकर के फिफ्टीन तक उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बौरव किया था श्रीलंकन सरकार ने काफ़ी ज़्यादा बौरव किया था चाइना से टू मेक कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इन्वेस्टमेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री हमबंदोता पोर्ट भी उसी दरमियान बिल्ड किया गया था बट सच कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैव नॉट लेड टू मेजर रिटर्न और इसी कारण से अब श्रीलंका के ऊपर हेवी एक्सटर्नल डेट बन चुका है रिटर्न ज़्यादा मिल नहीं रहा है उन डेट के लिए उनको इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है और उस हिसाब से उनकी अर्निंग नहीं हो पा रही है तो अगर देखा जाए तो श्रीलंका के ऊपर चाइना का तीन बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का डेट है उसके अलावा हाल फिलहाल में एग्रीकल्चर हैज सीन अ बिग फेलियर उसके पीछे कारण हो सकता है फर्टिलाइजर का प्राइस राइस और फर्टिलाइजर प्राइस राइस के पीछे एक कारण है यूक्रेन रसिया वॉर अब करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं इंडिया ने ऐसे हालात में श्रीलंका की मदद करने का फैसला लिया है तो कई सारे स्टेप्स लिए हैं इंडिया ने इनफैक्ट हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इज ऑन विजिट ऑफ श्रीलंका और कई सारे स्टेप्स अनाउंसमेंट किए हैं इंडिया ने इन ऑर्डर टू सपोर्ट श्रीलंका तो सबसे पहले वी हैव डिसाइडेड टू एक्सटेंड अ लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ वन बिलियन डॉलर टू श्रीलंका लाइन ऑफ क्रेडिट कैसा होता है ज़रा वो समझिए लाइन ऑफ क्रेडिट में कैसा होता है कि जैसे हमने एक बिलियन डॉलर का फंड बना के रख दिया श्रीलंका के लिए सीधा सीधा एक बिलियन डॉलर देंगे नहीं एक बिलियन डॉलर का फंड बना के रख दिया है अब श्रीलंका अपनी जरूरत के हिसाब से उस फंड से पैसा निकालता रहेगा डाल भी सकता है तो मान लीजिए एक बिलियन डॉलर का फंड है उसमें से 200 मिलियन डॉलर निकाला श्रीलंका ने जरूरत पड़ने के हिसाब से फिर ज़रूरत पड़ी तो 50 मिलियन डॉलर वापस भी कर दिया तो जितना मिलियन डॉलर जितने टाइम के लिए वो निकालेगा उसको लोन की तरह गिना जाएगा और उस पर उसको इंटरेस्ट चुकाना होगा तो ठीक है आपने एक बिलियन डॉलर का फंड क्रिएट कर दिया तो पूरा का पूरा एक बिलियन डॉलर आज के आज श्रीलंका नहीं लेगा जिस दिन 200 मिलियन डॉलर निकाला उस दिन से उसके ऊपर 200 मिलियन डॉलर पे इंटरेस्ट लगेगा 50 मिलियन डॉलर वापस कर दिया तो अब सिर्फ डेढ़ मिलियन डॉलर पे इंटरेस्ट लगेगा तो इस तरीके से लाइन ऑफ क्रेडिट काम करता है लाइन ऑफ क्रेडिट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रांट्स लाइन ऑफ क्रेडिट इज लाइक अ लोन इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ़ अमाउंट दैट कैन बी बोरोड एज नीडेड पेड बैक एंड बोरोड अगेन जबकि ग्रांट जो होता है एक कंट्री दूसरे देश को चुपचाप से पैसा दे देता है एंड विच नीड नॉट टू बी रिपेड बैक तो ग्रांट आपने दे दिया और पैसे को भूल जाइए जबकि लाइन ऑफ क्रेडिट इज़ ए काइंड ऑफ लोन जिसमें आपको पैसा मिल भी सकता है तो इंडिया ने एक बिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट इस्टेब्लिश किया है श्रीलंका के लिए सो दैट श्रीलंका कूड प्रोक्योर फूड मेडिसिन एंड अदर एसेंशियल आइटम्स उसके अलावा कई सारे ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स इंडिया डेवलप कर रहा है श्रीलंका के साथ ताकि श्रीलंकन इकॉमी को फ़ायदा मिले फॉर एग्जाम्पल त्रिकोण माली ऑयल टैंक फार्म डेवलप किया जा रहा है पावर प्रोजेक्ट्स रिन्यूएबल पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप कर रहा है इंडिया श्रीलंका के अंदर कल्चरल सेंटर जाफना में बनाया जा रहा है उसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन श्रीलंका के साथ इंडिया डेवलप कर रहा है ताकि डिफेंस में श्रीलंका को कम खर्च करना पड़े और इंडिया उसके बिहार पे कुछ सपोर्ट कर रहा है श्रीलंका को फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज़ गिफ्टेड डॉर्नियर एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका इसके अलावा इंडिया इज इस्टैब्लिसिंग मरीन मैरी टाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर एम आर सी सी इज बिंग स्टैब्लिश्ड इन कोलम्बो बाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो इंडिया की एक कंपनी है तो कभी भी सवाल आ जाए इंडिया की नेबर फर्स्ट पॉलिसी पे तो नेबर फर्स्ट पॉलिसी में श्रीलंका को लेकर के हमने क्या हाल फिलहाल में इनिशिएटिव्स लिए हैं उसमें आप ये सब लिख सकते हैं द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर मार सिलेबस जीएस पेपर टू गवर्नेंस परसपेक्टिव तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में नीति आयोग ने शुरू किया था और इस प्रोग्राम को नीति आयोग इंप्लीमेंट करता है बाय पार्टनरिंग विथ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में करते क्या हैं कि इंडिया के एक सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया गया है इसमें एक पॉलिसी ये फॉलो की गई है कि हर स्टेट से कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट को तो जरूर रखा जाए और 117 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो एच रेटिंग में जो भी डिस्ट्रिक्ट सबसे खराब हैं उनके 117 सौ सत्रह डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई करके वहां पे डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है तो इससे फायदा क्या होगा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से ये जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे ह्यूमन कंडीशंस ह्यूमन लिविंग कंडीशंस तो इंप्रूव होगा ही होगा और इससे इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो भी इंप्रूव हो जाएगी जो अभी तक तो काफी खराब है वी आर रैंकड हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड कंट्रीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज बाई यू आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमने दे रखा है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में अगर बात की जाए तो पांच थीम्स पे फोकस किया जाता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज फाइनेंशियल इंक्लूजन स्किल डेवलपमेंट एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन फैक्टर्स में भी अलग अलग फैक्टर्स पे अलग अलग फोकस है 30 परसेंट थर्टी परसेंट ट्वेंटी परसेंट इस तरीके से अलग 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 फैक्टर्स पे अलग अलग वेटेज दिया गया है और इन फैक्टर्स पर फोकस किया जाता है इन तमाम बैकवर्ड या स्परेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में डेवलपमेंट लाने के लिए अगर आसाम से बात की जाए ए पी एस सी एस्पेरेंट्स को आसाम में कितने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका नाम जरूर याद रखना चाहिए तो आसाम के अंदर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उदालगिरी हाइलाकांदी ग्वालपारा धुबरी डारांग बॉरपेटा एंड बक्सा हम क्यों एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के बारे में पढ़ रहे हैं क्या करेंट डेवलपमेंट है वो भी ज़रा समझते हैं तो यूनियन कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी साहब ने कोल इंडिया के तरफ से दो करोड़ का चेक दिया डैरंग डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के लिए टू द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डैरंग डिस्ट्रिक्ट अंडर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉसिबिलिटी ताकि डैरंग डिस्ट्रिक्ट जो एक एस, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसका डेवलपमेंट किया जा सके अब ये न्यूज अपने आप में किसी काम का है नहीं आई जस्ट कवर दिस न्यूज़ गवर्नमेंट ओकेज टू करोड़ फॉर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डेरान मैंने ये न्यूज़ इसलिए कवर किया ताकि मैं आपको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स के बारे में बता सकूँ इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज अटें दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट किलिंग ऑफ एलिफेंट्स ऑन रेलवे ट्रैक एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर आर सिलेबस जीएस पेपर थ्री इनवायरमेंट पर्स्पेक्ट जीएस एस पेपर फाइव एमिस पर्सेक्ट तो देखिए कुछ टाइम पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक काम दिया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को कि आप डाटा रिलीज कीजिए कि कितने एलिफेंट्स की डेथ होती है और हुई है पिछले दस सालों में बिकॉज ऑफ़ कोलिजन विथ ट्रेन्स और फिर इस स्टडी में ये बात सामने निकल के आई कि पिछले दस सालों में 2009-10 से लेकर के दो हज़ार तक में वन एलिफेंट्स हैव बिन किल्ड बिकॉज ऑफ कोलिजन विथ ट्रेन और उसमें भी ए पी परस्पेक्टिव से याद रखना सबसे ज़्यादा डेथ हुई है इन असम तो 62 टू एलिफेंट्स हैव डाइड ऑन रेलवे ट्रैक बिकॉज ऑफ कोलिजन विथ ट्रेन 62 ये डाटा याद रखना तो असम के अंदर सबसे ज़्यादा एलिफेंट और ट्रेन के कोलिजन के इंसिडेंट सामने निकल के आए हैं अब इसी से रिलेटेड ये करंट न्यूज़ है अब यूनियन इन्वामेंट मिनिस्ट्री ने एक परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी इस्टेब्लिश किया है विच also इंक्लूड्स ministries representatives ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड environment टू प्रीवेंट elephant डेथ ऑन रेलवे ट्रैक तो एक परमानेंट कमेटी बना दी गई है सरल भाषा में कही जाए तो जिसमें कुछ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के लोग रहेंगे कुछ मिनिस्ट्री ऑफ़ रेलवे के लोग रहेंगे और ये परमानेंट कमेटी का, का काम ऐसा है कि वो इंश्योर करे कि फ्यूचर में एलिफेंट डेथ्स ना हो बिकॉज ऑफ कोलिजन विथ ट्रेन ऑलरेडी कई सारे स्टेप्स लिए जा चुके हैं जैसे कि परमानेंट एंड टेम्प्रोरी स्पीड रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं ट्रेन के ऊपर उसके अलावा कई जगहों पे अंडर पास बना दिया गया है या रैम्प बना दिया गया है ताकि एलिफेंट और ट्रेन का कोलिजन ना हो सके फेंसिंग कर दी गई है कई सारे ऐसे लोकेशन पर जहाँ पर एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं ड्राइवर्स को पहले ही वार्निंग दे दी जाती है कि एलिफेंट कॉरिडोर में जाते ही वो कम स्पीड पर चलें बहुत सारे ऐसे वल्नरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पे जंगलों को थोड़ा सा काट दिया गया है ताकि एलिफेंट्स वहाँ नज़दीक पे ना आए तो ये सब स्टेप्स ऑलरेडी लिए जा चुके हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एलिफेंट ट्रेन कोलिजन अब जब एलिफेंट्स की किलिंग की बात चली रही है तो एक और प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं माइक प्रोग्राम के बारे में मॉनिटरिंग द किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम माइक प्रोग्राम माइक प्रोग्राम 2003 में लॉन्च किया गया है विच इज एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव तो इट इज एन इंटरनेशनल प्रोग्राम विच ट्रैक्स द ट्रेंड ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स इलीगल किलिंग मतलब पोचिंग से एलिफेंट्स अलग अलग, अलग जगहों पे अफ्रीका और एशिया में कितने मारे जाते हैं उसको ट्रैक करने का ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है सिर्फ अकेले भारत सरकार का इनिशिएटिव नहीं है एशिया और अफ्रीका में कितने एलीफेंट्स इलीगल तरीके से मारे जाते हैं उनको ट्रैक करने के लिए माइक प्रोग्राम शुरू किया गया है और माइक के अंदर अलग अलग साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पर इलीगल किलिंग को ट्रलीगल किलिंग को ट्रैक किया जाता है तो इंडिया के अंदर 10 ऐसे माइक साइट्स हैं जहां पे लीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स को ट्रैक किया जाता है अब दसों के दसों नाम तो याद नहीं रख सकते लेकिन दो आप याद रखो कम से कम ए पी एस हो आप तो चिरांग रिपू एंड दियंग दे, पटकाई वाला जो रीजन है दैट इज पार्ट ऑफ माइक साइट्स इन इंडिया इस टॉपिक के बेसिस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है प्लीज रिटेन दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल डॉल्फिन डे काफ़ी छोटा सा न्यूज है इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम फिल्म परसपेक्टिव डॉल्फिन्स के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मैंने कुछ दिनों पहले न्यूज़पेप एनालिसिस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि कैसे दे आर नोन एज नेशनल एक्वाटिक एनिमल दे आर ऑल्सो सिटी एनिमल ऑफ़ गोहाटी थोड़े बहुत ब्लाइंड हैं उनको दिन और रात के बीच में अंतर समझ आता है बट पूरी तरह से इनका आई सेट सही नहीं है दे डू हंटिंग थ्रू ईको लोकेशन ये सब बातें पाँच छः दिनों पहले मैंने बताई थी इसलिए आज वो रिपीट नहीं कराऊंगा बस एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आज मैं दूंगा कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने फैसला लिया है कि फिफ्थ अक्टूबर विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल डॉलफिन डे इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ डॉलिफिनस कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं वर्ल्ड हैपनेस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम को लेकर के दोनों स्टेटमेंट सही हैं सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी एंड साहित्य दिवस एस एसोसिएटेड विथ लक्ष्मीनाथ बेस बोरुआ दर फॉर आवर सेट फॉर टुडे थैंक्स फॉर वॉचिंग